अरे लक भी मालूम है, हमको भी मालूम है, हम दोनों से थोड़ा इससे थे चलो हट ला। आपका नाम? मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान चौधरी। सर आप पहले नाला सुपारा सरकारी अस्पताल में डीन दे चुके हैं, आज ऐसा आरोप लग रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है जो बन रहा था इससे थोड़ा खड़े हो रहे हो, तो इस पर आप शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये हॉस्पिटल मेरे ही बन रहा था, जो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि अपने महानगर पालिका में फाइल जमा नहीं की है। एक दो दिन में सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर जमा करने वाले थे लेकिन उसके पहले मुझे महानगर पालिका के ऑफिसर, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर का फ़ोन आने लगा कि आपका हॉस्पिटल बन रहा है और इसके बारे में बातचीत करनी है, और मुझसे पैसे की मांग की गई। जब मैंने पैसे नहीं दिया तो कल यहाँ पर कार्रवाई हुई जिसमें 3-4 दीवारें तोड़ी गई खाली, और उस वक्त भी मुझसे 50,000 की मांग की गई। मैंने आगे नहीं मांग किया। यहाँ जो आते हैं इनके ऑफिसर है, जो काम करने वाले लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, हेल्थ डिपार्टमेंट का कौन ऑफिसर? वो मेरे पास सारा लिस्ट है, सारा डिटेल्स है, मैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू मैं ये सब चीज़ें लेके जाऊँगा, ऊपर तक ले जाऊँगा। ये जो इन लोगों ने किया है पैसे के लिए ये सही नहीं किया है। अच्छा, अभी एक विवाद भी चल रहा था, आप बोल रहे थे पीछे की दीवार, वो क्या विवाद है? अगर है तोड़ने तो सारा दीवार इलीगल है, सब तोड़ो। आप कुछ कार्रवाई करके दिखा देते हो कि किया है और उसके बाद उम्मीद रखते हो कि मैं इनको पैसा दूंगा, कुछ दीवारें कुछ हिस्सा छोड़ दे रहे, तो मैं इनको पैसे देने वाला नहीं हूँ। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। हम खड़े हैं नाला सुपारा तोलिन पुलिस स्टेशन के बाजू में। आप देख सकते हैं आज सुबह से कार्रवाई शुरू है, एक अस्पताल बनाया जा रहा था उस अस्पताल पर तोड़क कार्रवाई आज शुरू है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये अस्पताल इलीगल तरीके से बनाया गया था, इसके लिए इस अस्पताल के यहाँ तोड़क कार्रवाई हो रही है। ये प्रशासनिक काम है, तोड़क कार्रवाई करना उनका अपना काम है, प्रशासन कर रहा है, लेकिन सवाल कहीं उठते यहाँ भी दिख रहे हैं। दरअसल अभी यहाँ एक विवाद ये चल रहा है कि आप ये देख सकते हैं, ये सामने की जो तस्वीरें है यहाँ पे तोड़क कार्रवाई हुई है लेकिन पीछे की जो दीवार है उसको नहीं तोड़ा जा रहा, उसको लेकर सवाल उठे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल ऐसे है, हर बार तोड़क कार्रवाई होती है, हर बार सवाल उठते हैं। हम ये नहीं कहते कि प्रशासन गलत है, हम ये नहीं कहते कि सवाल उठाने वाले गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और पब्लिक के बीच में सामंजस्य नहीं है, ये बात तो साफ दिखाई देती है, एक चीज़ यह है। और दूसरा एक अहम विषय वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत वो है, वो ये है कि वसई विरार महानगर पालिका में अलग अलग जगह पर अलग अलग कानून है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं इस अस्पताल के ऊपर आज कार्रवाई हो रही है, इल्लीगल है तो होना ही चाहिए, टूटना ही चाहिए, लेकिन इसके उलट दूसरी तरफ वसई में एक अस्पताल है, जाना माना अस्पताल है वसई का, वसई कार्डिनल हॉस्पिटल, वहाँ पर हाल ही में एक नई MRI यूनिट का भी यूनिट बनी है और आज उसका ओपनिंग है, यहाँ तक कि विधायक उसमें शामिल होने वाले हैं। आपको ये बता दूँ कोरोना काल में जिस किसी अस्पताल ने सबसे ज़्यादा अगर लूट की है तो वो है कार्डिनल हॉस्पिटल, उसने कहीं ज़्यादा लूट की, इसके बार बार महानगर पालिका में शिकायत की गई, उसके बाद में महानगर पालिका ने कार्रवाई नहीं की। और अब जब कार्डिनल अस्पताल ने इल्लीगल तरीके से अपना यूनिट बढ़ाया और यूनिट बढ़ाकर आज उसका उद्घाटन है तो वो यूनिट ऐसा का ऐसा है, तो दो कानून क्यों? हालांकि ये प्रभाग अलग है, ब है वो प्रभाग आई है, यहाँ दोनों के वार्ड अफसर अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर कमिश्नर सिर्फ एक है। तो ये चीज़ कमिश्नर को खुलासा करना चाहिए कि क्या वो अपने अधिकारी को अलग अलग प्रशिक्षण देते हैं, क्या कमिश्नर जो है अपने अधिकारी को ये समझाते हैं कि आपको कहाँ कार्रवाई करना है और कहाँ नहीं करना है, इसका जवाब कमिश्नर गंगाधरन डी दें। आज के लिए इतना ही, नाला सुपारा से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।